टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमें समझना है। सो गाइस आप फ्रैक्शन लेते हो, सो फ्रैक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो हमें ये अच्छे से समझ लेना है। सो एक फ्रैक्शन में ले लेता हूं पी बाई क्यू, तो वो या तो प्रॉपर हो सकता है या तो इम्प्रॉपर हो सकता है या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? सो गाइज अगर p बाई क्यू में p इज लेस देन q, मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5 हो गया या 11/50 हो गया या 30/77 हो गया, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ये क्लियर है? इनफैक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आप डेसिमल में देखोगे ना, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1, उसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो उसका उल्टा p इज ग्रेटर देन q, ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5/3 या फिर मैंने ले लिया 10/7 या फिर ले लिया 100/11 एंड सो एंड सो फोर्थ। ऑल दिस आर नथिंग बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं 5/3 लेता हूं तो कैन आई राइट 5/3 एज 1 एंड 2/3? एवरीवन, क्या ये आप सबको समझ में आता है? 5/3 इज नथिंग बट 1 एंड 2/3। अगर मैं 10/7 फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? 7 1 7, रिमाइंडर विल बी 3 डिवाइड बाई 7। सेम वे 100/11 करेंगे तो कितना आएगा? 100/11 गाइस, तो 100/11 विल बी इक्वल टू 11 9s are 99, रिमाइंडर विल बी 1 एंड डिवाइजर इज 11। सो 100/11 कैन बी रिटर्न एज 9 and 1/11। सो दिस इज नथिंग बट मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ गाइस फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। 1/2 इज नथिंग बट इन डेसिमल इज 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25 एंड सो एंड सो फोर्थ अप टू 1/11। इनफैक्ट इसको समझना काफी आसान है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जा रहा हूं। 1/4 इज 0.25 गाइस, 0.25 को आपको पता है हम 0.250। नाउ कैन आई से 1/4 का हाफ होता है 1/8, तो 0.250 का हाफ क्या होगा? कैन आई से 250 का हाफ 125 होता है। एग्जाम्पल यू नो, अगर 3/4 मुझे फाइंड करना है तो आई नो 1/4 इज 0.25, सो कैन आई से 3/4 इज नथिंग बट 3 times 1/4, सो 0.25 का 3 times कितना हो जाएगा? 0.75। करेक्ट, बहुत ही ईजी था ये। 3/8 कितना होगा गाइस? 3/8 कितना होगा? शुड बी 0.375, क्यों? 3 times of 1/8, 1/8 तो आपको पता है 0.125 है, सो 125 3 जा कितना हो जाएगा? 0.375। 1/8 आपको पता है 0.125 था, सो 3 times of 0.125 is 0.375. Before we go ahead, quickly take a glance at my daily schedule. I conduct the session on YouTube as well as on Unacademy learning app, and these are completely free session. So make a point to attend this. Also, don't forget to join my Telegram channel. The link has been displayed on the screen as well as it is provided in the description. So join me over there and stay updated with all my sessions. Guys, जल्दी से बताओ what will be 3/7? It will be 0.4284. सी 1/7 होता है 0.142856 एंड सो फोर्थ। अच्छा, मैं ये भी समझा देता हूं ये आया कैसे। अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? 1 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पे हम डेसिमल रख देंगे, तो यहां पे एक 0 रख दो, 7 1 7, तो ये रिमाइंडर आपका 3 आएगा। अब मैं वापस 0 रख दूंगा यहां पे, क्योंकि आपने एक बार डेसिमल रख दिया तो आप 0 रखते जा सकते हो। 7 4s are 28, 2 आ जाएगा 0, 7 2s are 14, 6 आ जाएगा 0, 7 8s are 56 एंड सो एंड सो फोर्थ। ये चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हमें इतना लंबा की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट याद रखने हैं। 14 याद रख लिया तो भी बस हो गया। सो 1/7 इज 0.14, याद रख लो। 3/7 कितना होगा? इट इज 3 times of 0.14, तो आप यहाँ पे 0.42 भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 0.1428 लिखता हूँ तो ये प्रिसाइजली आएगा 0.4284। दिस विल बी 0.4284। 5/8 कितना आ जाएगा? 0.625 प्रिसाइजली। सेम वे 4/11। सो गाइज व्हाट इज 1/11? 1/11 इज 0.09। अब 2 डेसिमल तक 0.09 रखोगे तो इंटू 4 कर देंगे तो क्या होगा? 0.36। Let's go to the next part now. ठीक है, आई एम श्योर यू कैन डू इट गाइज। कैन यू क्विकली कन्वर्ट दिस वन? बताओ ये कितना आएगा? it will be 8.8. Now this is where you will require your understanding to the mixed fractions. ठीक है, जैसे इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 8 and 4/5. दिस इज नथिंग बट 8.8, क्योंकि 5 8 जा 40, मतलब 8 कंप्लीट पार्ट है, बचा कितना 4, तो 4/5 कर दो. एंड सेम वे 44/99 कितना आएगा, सो दिस इज नथिंग बट 2/9, दैट इज 0.44. Before we go ahead, just want to show you the benefits of Plus and Iconic courses of Unacademy. So if you are looking for comprehensive preparation, you can go for either Plus subscription or Iconic subscription using my code SHARK10. On the screen, I have displayed certain benefits of the subscription. So please quickly take a glance. Here are the pricing plan of Plus and Iconic subscription for various duration. So please go for that using my code SHARK10. So now I'm going to teach you some really interesting points, and those would be really helpful even in DI and all. Change pattern in fraction. अगर मैं कोई भी proper fraction लेता हूँ, you know, p/q, where p is less than q, तो इसको हम proper fraction कहते हैं, right? तो मैं एक proper fraction ले लेता हूँ p/q. अब अगर मैं दोनों में numerator and denominator दोनों में constant positive quantity add करता हूँ, so remember the resultant fraction, the new fraction will always be greater than the previous fraction. Now let me take an example of this. एक example ले लेते हैं guys. Suppose मैं ले लेता हूँ 2/5. अब मैं 2 + 1 करता हूँ and 5 + 1 कर देता हूँ, तो नया fraction क्या बना, 3/6 बना. This will always be greater than the previous one. आप इसका decimal value देखो कितना आएगा, 0.4. इसका decimal value कितना आएगा, 0.5. Definitely. ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब आप 2 में 1 ऐड करते हो, so you are increasing this one by 50%. और जब आप 5 में 1 ऐड करते हो, तो you are increasing the denominator by just 20%. तो चूंकि आप numerator को ज्यादा परसेंट से increase कर रहे हो, the resultant fraction will be greater than the previous fraction. सेम वे गाइज इसका उल्टा होता है जब आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो, मतलब p इज ग्रेटर देन q. पिछले में p वॉज लेस देन q, अभी p ग्रेटर देन q है. और अगर आप एक कांस्टेंट पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं कांस्टेंट पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करता हूँ, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन द प्रीवियस फ्रैक्शन. नंबर ले लेता हूँ 8/5. अब मैं दोनों में 1 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 9, और इसमें भी 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 6. डेफिनेटली 8/5 इज ग्रेटर देन 9/6. क्यों, ये 1 8 का कितना परसेंट है, तो इट विल बी 12.5%. जब आप 8 में 1 ऐड करते हो तो आप 8 को कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हो, 12.5% से इंक्रीज कर रहे हो. जबकि आप 5 में 1 ऐड करते हो तो आप 5 को 20% से इंक्रीज कर रहे हो. दोस्तों आपने डिनोमिनेटर को ज्यादा परसेंट से इंक्रीज किया, इसलिए फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कम्स द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. एवरीवन लेट्स कंपेयर. सो आई एम श्योर यू नो दिस रूल कि जब भी आपको कंपेयर करना है, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 4 × 12 कर दो कितना हो जाएगा 48, एंड 9 × 5 = 45. सो 48 इज ग्रेटर देन 45. सो दिस 4/9 इज ग्रेटर देन 5/12. ऐसा क्यों करते हैं, सो इट्स लाइक वी आर मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा.